देखो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रुबीना ब्यूटी एंड रेमेडी में आप लोगों को वेलकम है। आज मैं आप लोगों को टी ट्री ऑयल का बहुत ज़बरदस्त सा एक मास्क बताऊंगी, जो पैक है, फेस पैक है, जो चेहरे से एक्ने वगैरह भी साफ करता है और चेहरे को क्लीन करता है, बहुत अच्छे तरह से फेयर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए गाइस हमें चाहिए दही। ठीक है, दही हमने ले लिया गाइस। तो और इसके लिए हमें चाहिए कॉर्न फ्लोर। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो गाइस, हमें एक ज़बरदस्त सा मास्क बनाने के लिए, जो चेहरे को क्लीन करता है, फेयर करता है, आपको पता है दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो ये चेहरे को फेयर भी करता है और क्लीन क्लियर भी करता है, बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइज भी करता है। और ये टी ट्री ऑयल है। ठीक है, तो इसके हमने ये भी चेहरे से एक्ने और जर्म्स का ख़ात्मा करता है और चेहरे को क्लीन करता है। तो गाइस, इसको इसमें हम डालेंगे, ये मैंने ऑलिम कंपनी का लिया है। ठीक है, टी ट्री ऑयल आप किसी का भी ले सकते हैं। तो गाइस, इसमें मैंने टी ट्री ऑयल के हम मिलाएंगे चंद कतरे, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कॉर्न फ्लोर। ठीक है गाइस, कॉर्न फ्लोर का हम इसमें इतना डालेंगे कि एक पेस्ट सा बन जाए, जो चेहरे पे स्टे कर ले। ठीक है, एक चाय का चम्मच हमने इसमें कॉर्न फ्लोर मिला दिया दही में। ये देखें, अगर ये बहुत ज़्यादा रनी हो रहा है तो हम इसमें कॉर्न फ्लोर को और ऐड करेंगे, ताकि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। कॉर्न फ्लोर भी स्किन को टाइट करता है और चेहरे को क्लीन करता है, फेयर करता है। ठीक है, और मॉइस्चराइज करता है। ये गाइस, हमने इसमें कॉर्न फ्लोर मिला लिया और फिर हमने इसमें चंद कतरे टी ट्री ऑयल के डालने, ताकि हमारे चेहरे से चेहरा फेस जो है क्लीन क्लियर हो जाए। और ये देखिए गाइस, इसमें ज़्यादा नहीं, बस चंद कतरे हम इसमें डालेंगे, 2, 1, 2, 3 कतरे हम इसमें डालेंगे। देखिए गाइस, हमने 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें डाल दिए, 4th तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम मिला लेंगे, टी ट्री ऑयल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह से हम लेंगे। और ब्रश से, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं गाइस। तो इस तरह से हम लेके पूरे फेस पे ना इसको लगा देंगे 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट आप लगे रहने दें। तो इस तरह से हम इसको फेस पे पूरे क्लिनजिंग कर लें आप फेस को अच्छी तरीके से, और इस तरह से पूरे फेस पे ये आप लगा दें, 15 मिनट तक इसे लगा रहने दें और फिर इसको सादे पानी से वॉश कर लें। तो गाइस, ये बहुत अच्छा फेस पैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है गाइस, ये इस तरह से पूरे फेस के लिए फैला लेंगे और 15 मिनट तक इसको रखने के बाद हम सादे पानी से वॉश आउट कर देंगे। तो गाइस, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये चेहरे को क्लीन भी करता है, फेयर भी करेगा, और चेहरे पे जो एक्ने के निशान है, एक्ने है, उसे भी क्लीन कर देगा, और रेडनेस से चेहरे की उसे भी क्लीन करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सॉरी गाइस, तो इसे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।